हेलो दोस्तों, टेकी देव में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देव। फाइनली दोस्तों, रियलमी UI 3.0 अर्ली एक्सेस प्रोग्राम रियलमी X50 Pro 5G डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है आज से। तो अगर आपके पास रियलमी X50 Pro 5G डिवाइस है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं टेकी देव यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी X50 प्रो 5G डिवाइस के लिए रियलमी UI 3.0 अर्ली एक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली रियलमी UI 3.0 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपको एंड्रॉइड 12 का OS देखने को मिलेगा। तो इस बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम, मतलब अर्ली एक्सेस प्रोग्राम का मतलब ही है बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम। तो इस बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या कुछ करना है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है अपडेट के बारे में, अपडेट होने के बाद क्या कुछ हो सकता है, अपडेट के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो फोन है रूटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप इस नए प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, उससे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो आपका डेटा है सब कुछ बैकअप कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होता, फिर भी 1% तो चांस रहता है ये डेटा लॉस होने का। तो पहले आप डेटा बैकअप कर लीजिए। और इस अपडेट में, क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में चल रहा है, तो बहुत कुछ यहाँ पे बग्स आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको बग्स यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो फोन की मेमोरी, मिनिमम आपको 10GB फ्री स्पेस आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम में ज्वाइन कैसे होना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपका फोन की बैटरी यहाँ पे 60% से ज्यादा है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करके देखना पड़ेगा कौन सी वर्सन यहाँ पे आपके मोबाइल में रन हो रहा है। अगर आपके मोबाइल में 11c.23 का वर्सन है तभी आपको यहाँ पे नया अपडेट मिलेगा, नहीं तो आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो नहीं सकते। आपको पहले 11c.23 में अपडेट होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रायल प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, फोन की सेटिंग्स में पहले आपको जाना पड़ेगा। फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे जो आपको सेटिंग्स का आइकॉन देखने को मिलता है उसके ऊपर आपको टैप करना है। राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर में आपको सेटिंग्स का आइकॉन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रायल वर्सन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ट्रायल वर्सन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अर्ली एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे अप्लाई नाउ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। डन, बस आप यहाँ पे अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में ज्वाइन इस तरीके से हो सकते हैं। अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट, नया अपडेट OTA के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीट बहुत ही कम रहता है, तो ज्यादा सीट नहीं होने से सबको ये नहीं मिलेगा। फास्ट कम फास्ट बेसिस से यहाँ पे अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में ज्वाइन होता है। तो अगर आप होना चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको यहाँ पे OTA के थ्रू रियलमी UI 3.0 एंड्रॉइड 12 अपडेट मिल जाएगा बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।